हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रोडोव का क्वेश्चन नंबर 3.117। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो है कैपस्टर में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, कैपस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे। एक तरीका होगा हमारा केवीएल लगा के, ओपन लूप पे केवीएल लगा के। दूसरा जो तरीका होगा हमारा शॉर्टकट होगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे शॉर्टकट रेशियो मेथड करते हैं वैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अ सर्किट हैज अ सेक्शन ए बी शोन इन फिगर, द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इक्वल्स 10 volt, the capacitor capacitances are equal to C1 is equal to 1 microfarad and C2 is equal to 2 microfarad and the potential difference phi A minus phi B is 5 volt. Find the voltage across each capacitor. तो ये इतना आपके पास क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो, हमने यहाँ पर आपको सर्किट दिखा रखा है। सर्किट में बोला है कि ये है आपका phi A वाला पॉइंट, ये वाला phi B वाला पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज जो होगा यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से फैला होगा, मतलब चला गया होगा। और ये चार्ज हम मान लेते हैं क्यू है, दोनों पे चार्ज सेम होगा क्योंकि एक ही लाइन में। तो अब हम यहाँ पर ओपन लूप में केवल लगाना शुरू करते हैं। ओपन लूप में जब हम केवल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा पाई ए माइनस क्यू बाई सी वन प्लस ई एम एफ जो कि 10 वोल्ट है माइनस क्यू बाई सी टू, ठीक है। और यहां मिलेगा माइनस का फाइव बी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा यहाँ फाइव और फाइव बी की वैल्यू हमें पता है, फाइव और फाइव बी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस भी क्या है, फाइव है और ये टेन दे रखा है, तो ये टेन हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। और यहाँ पे सी वन की वैल्यू है वन और सी टू की वैल्यू है, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10 माइक्रो कूलम्स। ये आ गई आपकी क्यू की वैल्यू ऐसे, ठीक है। अब यहां पर Q आ गया आपके पास। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, यहां पे जो होगा वो V1 होगा, यहां पे जो होगा वो V2 होगा। V1 V2 निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क आपके लिए नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो V1 की जो वैल्यू होगी वो जाएगी Q बाई C1। तो Q बाई C1 क्या आएगा बेटा, यहां पर 10 बाई 1 दैट मीन 10 क्योंकि माइक्रोफेरेड में था ना। और V2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, Q बाई C2 ये कितना है 2 माइक्रोफैरड, ये क्या जाएगा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये आसानी से आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया। मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है दूसरा मेथड आपको बड़ा लगे, लेकिन हम आपको बताएंगे जरूर क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वाला मेथड भी, कभी कभी ये बहुत काम का मेथड है। ऐसे है तो फाइव ए हाई पे है, फाइव टू जो है लो पर है, फाइव बी जो है लो पर है, ये ऐसे ये 5 वोल्ट हो गया और ये हो गया तुम्हारा 10 वोल्ट, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपको निकालना है यहां पर V1 निकालना है और V2 निकालना है, यहां पर V1 और V2 निकालना है। अब V1 V2 कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं शॉर्ट। देखो चार्ज जो यहां है इस सर्किट को और हम छोटा रिड्यूस कर सकते हैं, और छोटा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैंने वहां दोनों में C1 लिख दिया, C2 लिख दिया, जबकि यहां एक C1 एक C2। देखो यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर को ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इन दोनों बैटरी की जगह हम एक 15 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये C1 है और ये C2 है, यहाँ पे V1 होगा यहाँ पे V2 होगा, एग्री करते हो सब लोग। अब क्या करेंगे, देखो जो वोल्टेज होता है वो Q इज इक्वल टू सी वी लिखते हैं, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, मतलब V1 बाई V2 का जो रेशियो आएगा वो C2 बाई C1 आएगा। का मतलब क्या हुआ, यूनिटरी मेथड से अगर देखें तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी 15 वोल्ट इनटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। C1 और C2 की वैल्यू आपको पता है, V2 लिखेंगे तो क्या आएगा, V2 लिखेंगे तो ये आएगा क्या 15, और यहां हो जाएगा C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। 1 और 2 रखोगे तो यहां आएगा 5 और यहां आएगा 10। कुछ करने की खास जरूरत आपको नहीं पड़ी और आसानी से आपने इसको सॉल्व। तो ये भी एक तरीका होता है, क्यों, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे केवीएल लगा के करो, चाहे आप इसको ऐसे छोटा बना के इस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको समझ में आए वही बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन एससीबी में भी बहुत है, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए।